वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। वीडियो में जो भी विंडोज और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ट्रिक्स दिखाई जाती है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से, सीखने के मकसद से दिखाई जाती है। हम किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी के लिए इन्हें इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देते। आप यदि कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो आप पर कोई भी उचित कानूनी कार्यवाही हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप किसी भी अनसपोर्टेड पीसी या लैपटॉप के अंदर विंडोज 10 को विंडोज 11 में अपग्रेड कर सकते हो। हमारे लास्ट वीडियो में हमने फ्रेश विंडोज 10 को डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था और उसे फ्री में माइक्रोसॉफ्ट के डिजिटल लाइसेंस से एक्टिवेट किया था। आज हम उसी विंडोज 10 को विंडोज 11 में अपग्रेड करेंगे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। तो विंडोज 10 को 11 में अपग्रेड करने के लिए सबसे पहले हमें विंडोज 11 की आईएसओ फाइल को डाउनलोड करना होगा, जिसके लिए हम सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन करेंगे और फिर यहां टाइप करेंगे विंडोज 11 डाउनलोड और एंटर बटन को प्रेस करेंगे। उसके बाद यहां से फर्स्ट लिंक माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। फिर हम इस पेज को नीचे स्क्रॉल करके यहां डाउनलोड विंडोज 11 डिस्क इमेज आईएसओ, यहां आकर नीचे से विंडोज 11 मल्टी एडिशन आईएसओ, इसे सेलेक्ट करेंगे। फिर डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे। फिर यहां से लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। फिर कंफर्म बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद 64 बिट डाउनलोड इस बटन को क्लिक करेंगे। विंडो की आईएसओ इमेज डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। आप यहां से क्लिक करके डाउनलोड फोल्डर में जा सकते हैं। ये लगभग 6.6 गीगाबाइट्स की फाइल है, इसलिए डाउनलोड होने में थोड़ा समय लेगी। यहां समय बचाने के लिए मैंने इसे पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, आप इसको डाउनलोड कर लेना। मैं फिलहाल डाउनलोड को स्टॉप करके क्लोज कर देता हूँ। डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह से फाइल आपके डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगी। इसके बाद आप इस फाइल पर डबल क्लिक करेंगे, जिससे इसकी सारी फाइल्स ओपन होके एक ड्राइव में माउंट हो जाएगी। फिर आप दिस पीसी पर क्लिक करेंगे और ये देखेंगे कि ये फाइल किस ड्राइव में माउंट हुई है। मेरे कंप्यूटर में डीवीडी के लिए जो ड्राइव लेटर असाइन है वो एफ है, तो हम एक बार एफ ड्राइव को ओपन करके देखेंगे। आपके कंप्यूटर में ये लेटर कुछ और भी हो सकता है। विंडोज की सारी फाइल्स इसी ड्राइव में है। अब हमें बस इस ड्राइव लेटर एफ को याद रखना है। अब हम विंडोज आइकॉन पर राइट क्लिक करेंगे और यहां इस लिस्ट में से सर्च को ओपन करेंगे। इसके बाद सर्च में टाइप करेंगे सीएमडी, फिर कमांड प्रॉम्प्ट पर राइट क्लिक करके इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर लेंगे। इस विंडो को यस करेंगे। यहां आने के बाद पहले हम एफ ड्राइव में जाएंगे, जिसके लिए यहां टाइप करेंगे एफ कोलन और एंटर कर देंगे। एफ ड्राइव में आने के बाद हम टाइप करेंगे डीआईआर और एंटर कर देंगे। इससे एफ ड्राइव की सारी फाइल्स और फोल्डर्स हमें शो हो जाएंगे। अब यहां से हमें सोर्सेज डायरेक्टरी में जाना है, जिसके लिए हम टाइप करेंगे सीडी स्पेस सोर्सेज और एंटर कर देंगे। सोर्सेज डायरेक्टरी में आने के बाद कमांड टाइप करेंगे सेटअप प्रेप डॉट ई स्पेस फॉरवर्ड स्लैश प्रोडक्ट स्पेस सर्वर और एंटर कर देंगे। इसके बाद कुछ समय कमांड के एग्जीक्यूट होने का वेट करेंगे तो आपको विंडोज का सेटअप रन होता दिखाई देगा। और फिर आपको ये विंडोज दिखाई देगी इंस्टॉल विंडोज सर्वर पर। आप टेंशन ना ले, आपके सिस्टम में विंडोज 11 ही इंस्टॉल होगी, कोई सर्वर नहीं। यही ट्रिक है जिससे आपकी विंडोज 11 की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बाईपास हो जाएंगी। इसके बाद आप इस रेडियो बटन को टिक करके नेक्स्ट बटन को प्रेस करें। उसके बाद थोड़ा वेट करें, टाइम तो लगेगा क्योंकि आपका सिस्टम विंडोज 11 के लिए कंपैटिबल नहीं है। कुछ देर बाद आपको लाइसेंस टर्म दिखाई देंगी, इसे एक्सेप्ट कर दे। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा कीप फाइल्स सेटिंग एंड एप्स और कीप पर्सनल फाइल्स ओनली या नथिंग। आप फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करें, जिससे आपकी फाइल्स एप्स और सेटिंग्स सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन को प्रेस करें। आपकी विंडोज 11.23.2 में अपडेट होनी शुरू हो जाएगी। यहां भी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक कि आपकी विंडोज की फाइल्स अपडेट नहीं होती। प्रोसेस के 100% होने और विंडोज के इंस्टॉल होने का समय आपके सिस्टम की स्पीड के अनुसार कम ज्यादा हो सकता है। फिर कुछ समय बाद आपको रेडी टू इंस्टॉल की विंडो दिखाई देगी। आप यहां से ये सब देखकर इंस्टॉल बटन को क्लिक कर दें। उसके बाद आपको यहां विंडो की प्रोसेसिंग दिखाई देगी। और फिर से मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि यहां आपको इंस्टॉलिंग विंडोज सर्वर दिखाई देगा, पर आपके सिस्टम में विंडोज 11 ही इंस्टॉल होगी। इस प्रोसेस के 100% होने में आपका लैपटॉप कई बार रीस्टार्ट हो सकता है। विंडोज की इस प्रोसेस में आपको अपने लैपटॉप का चार्जर कनेक्ट रखना है,
क्योंकि इस दौरान आपका सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए। सारी प्रोसेस कंप्लीट होने और कई बार रीस्टार्ट होने के बाद आपको अपने कंप्यूटर का डेस्कटॉप दिखाई देगा और आपकी विंडो लेटेस्ट वर्जन 23H2 में अपडेट हो जाएगी। डेस्कटॉप पर आने के बाद आप यहां देख सकते हैं, हमने सक्सेसफुली विंडोज 10 को विंडोज 11 में अपग्रेड कर दिया है। अब हम ये चेक करेंगे कि हमारी विंडो एक्टिवेट है या नहीं। इसके लिए हम विंडोज आइकॉन पर राइट क्लिक करेंगे, फिर सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में आने के बाद यहां पहले मैं अकाउंट पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूं कि ये वही विंडोज 10 का अकाउंट है जिससे हमने लास्ट वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट से लॉगिन किया था। आप मेरा नाम और मेल आईडी देख सकते हैं। अब हम ऊपर सिस्टम पे क्लिक करते हैं, फिर एक्टिवेशन को ओपन करते हैं। यहां हमारी विंडोज 11 ऑलरेडी एक्टिवेट शो हो रही है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के डिजिटल लाइसेंस से एक्टिवेट है। तो इस तरह से दोस्तों आप बड़ी आसानी से अपनी विंडो को अपग्रेड कर सकते हैं और इसमें आपको किसी भी प्रोडक्ट की को परचेस करके विंडो को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।